नाज़रीन लिबर्टी मार्केट में मैं मौजूद हूँ और लोग खा पी भी रहे हैं, साथ साथ ईद की शॉपिंग भी कर रहे हैं, तो हम इस गुफ्तगु को जरा थोड़ा सा सियासी बनाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है। मुझे बताएं वोट किसे दिया था? इमरान खान को। क्यों वोट किया इमरान खान साहब को आपने? कि नई हुकूमत आए और कोई नया अच्छा कुछ सिस्टम ये चले, ये तो पहले से भी खराब कर दिया आपने। अच्छा आप ये बताएं, गवर्नमेंट आ रही है इमरान खान साहब की, जो आपकी उम्मीद थी, अब क्या आपको उम्मीद है कि क्या काम करने चाहिए खान साहब को? बिजली ना जाए और महंगाई ना हो। अच्छा ठीक है, सस्ती चीज़ें हो। बिजली ना जाए, महंगाई ना हो और चीज़ें सस्ती हो जाए। आप बताएं जी, किसका वोट था? सबसे पहली बात तो इमरान खान को दिया था। ठीक है, और जो उन्होंने सबसे पहले अपना पॉइंट अपना खुद का रखा था, करप्शन वाला और प्रोटोकॉल सिस्टम, वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, और अगर उनके इर्द गिर्द ही ऐसे लोग होंगे तो मेरा ख्याल में ऐसा मुश्किल है, बट होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते खान साहब, फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम हम किसी और को ट्राई करेंगे। ठीक है, आपने किया था वोट क्या? आपको बना ही नहीं था? नहीं, आपको बना वोट नहीं किया जी। अच्छा जी, खान साहब आपसे अच्छी उम्मीदें हैं, खवातीन को मोटिवेट किया आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा घूमते हैं जरा। अच्छा जी, वैसे बता दें वोट किसे दिया था आपने? मैंने किसको दिया था? मैंने इमरान को, पीटीआई को। सोच के गया हूं, बच्चों की बात पे आप। बच्चों ने कहा था, किसी ने कहा था पीटीआई को डालो। अच्छा, आपका वोट नहीं बना तो आपने क्यों कन्विंस किया कि नहीं, नहीं, मेरा बना हुआ वोट। बना हुआ वोट? 18 साल की हो गई आप जी? यार लगती तो नहीं 18 साल की। अच्छा क्यों आपने वोट किया इमरान खान को? कि शायद तब्दीली आ जाए। तब्दीली तो आ गई, लाइट चली गई है ना, लाइट चली गई। अच्छा ये तो बेसिकली कारकर्दगी है ना अभी पिछली गवर्नमेंट की, अभी तो गवर्नमेंट में आई नहीं। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है आपको इमरान खान साहब, क्या काम करेंगे आपकी बेहतरी के लिए? आप यूथ हमाशा से के बस आए और अच्छा मुल्क के लिए बेहतरी करे बस। अच्छा अगर मुल्क के लिए बेहतर करेंगे इमरान खान साहब, तो आपने अभी फिलहाल अम्मी आपकी खाला है, खाला को कन्विंस किया जी, बाकी फिर किसको करेंगी कन्विंस आप? मैं घर में से सबको कन्विंस करूंगी। खान साहब बच्चे आपके साथ हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आपका वोटर बड़ा छोटा है, अब आपका वोटर जो है ना वो बड़ा हो चुका है और उसको शावर भी आ चुका है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वोटर्स में इजाफा हो तो आपने काम करने हैं और आपने साबित करना है कि आपने जो बातें की थी वो तमाम बातें सच्ची थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ख़राब है आपका? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं वोट किसे दिया था? वोट मैं किसी को नहीं दिया। क्यों? बस देना चाहिए था ना वोट। नहीं दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? इस लायक ही नहीं कोई भी। कोई भी लायक नहीं? कोई भी नहीं। नवाज शरीफ ना, इमरान खान ना, जरदारी सब एक माम के सब। अच्छा सब एक माम के चले, वैसे वोट दिया करें, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, कोई तो बेहतर होगा ना। ये खान साहब आई, इन्होंने भी कुछ नहीं करना। अच्छा असेंबली में बैठ के इतने मुर्गी की तरह बैठ जाना। अच्छा अगर काम कर दिया? अच्छा ठीक है, बात है, फिर वोट देंगे आप? अच्छा देंगे, अच्छा काम करेंगे तो देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अगर अच्छा काम करेंगे तो वोट देंगे। वैसे ये नाराज है, इन्होंने वोट किसी पार्टी को नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि वोट किसे दिया था आपने? मैं जब बताऊंगी तो आप नाराज हो रहे हैं। नहीं, मैं नाराज क्यों हूँ जी? बताएं, मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया, नवाज शरीफ को वोट दिया था। अच्छा गवर्नमेंट बन गई अब तरीके से आप जी जी, क्या कहेंगे आप? ये कहूँगी जो भी है मुल्क के लिए मुखलिस हो, हमारे अच्छा काम करे तो हम उसके साथ हैं बस। ठीक है जी, वोट किया इन्होंने नवाज शरीफ साहब को, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, लेकिन अगर गवर्नमेंट की आने वाली अच्छा काम करती है तो फिर इनका वोट होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, यानी कि इसी गवर्नमेंट का। वोट का पूछना चाह रहा हूँ, किसे वोट दिया था आपने? इमरान खान। इमरान खान को वोट दिया था, अब क्या उम्मीद है गवर्नमेंट बन गई इमरान खान साहब जी अच्छी रहेगी? क्या काम करने चाहिए खान साहब को? सॉरी आई कैन टॉक। अच्छा जी आप बताएं, आपने किया था वोट? यस दिया था नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को? यस। अच्छा नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो नहीं बनी अब, वो जेल में है, क्या लगता है आपको आने वाली गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी? हाँ जी जरूर। अगर काम किया आने वाली गवर्नमेंट ने, फिर आपका वोट किसका होगा? फिर जाहिर बात है उनको ही दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आंटी आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का मुझे बताइएगा वोट किसे दिया था आपने? मैंने इमरान खान। इमरान खान को। गवर्नमेंट बन गई इमरान खान साहब की, आप सही, क्या उम्मीद है, क्या काम करने चाहिए? जाहिर बात है वोट दिया है तो अच्छे के लिए दिया है ना, कि पाकिस्तान का कोई अच्छा फ्यूचर बन जाए। ठीक है। अच्छा मुखालिफिन कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले ज़्यादातर कि हमने काम करने देना ही नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट चलेगी नहीं साल से ज़्यादा। लेकिन बेटा देखिए अपोजिशन तो अपोजिशन होती है ना, वो कुछ भी कह सकती है ये। ठीक है, लेकिन उम्मीदें तो अच्छी रखनी चाहिए ना। ठीक है। अच्छा क्या काम करना चाहिए खान साहब को तरजीही बुनियादों पर? देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारी नीड्स हैं, लाइट्स को ले लें, एजुकेशन को ले लें, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं उनकी जॉब्स का मसला ज़्यादा है। ठीक है, बेरोजगारी बहुत, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इतने पढ़े लिखे बच्चे रिक्शा और टैक्सी ये उन पे सूट तो नहीं ना करता, इतने पेरेंट्स पैसे लगाते हैं अपने बच्चों पे तो अच्छे फ्यूचर के लिए लगाते हैं। मतलब इतने पढ़ लिख के भी अगर यही काम करने तो फिर पढ़ाई का फ़ायदा कोई ना, और आपने वादा किया था
कि रोज़गार भी आप फराहम करेंगे, तो नौकरियाँ आपने देनी। बहुत शुक्रिया आंटी आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आप मुझे बताएं, वोट किसे दिया था आपने? दिया था वोट? हाँ जी, किसको? इमरान खान। इमरान खान को? हाँ। अच्छा, खवातीन ज़्यादा इमरान खान साहब की फैन हैं, क्या वजह है इसकी? बस इस दफा हमने कहा थोड़ी तब्दीली देखें, पहले तो शेर को देते रहे ना, ठीक है? आप इंशाल्लाह जो भी आए अच्छा आए, बस जो भी आए। खान साहब लगता तो है आगे उसकी अपना ईमान, ठीक है? और अगर काम ना किए इन्होंने, फिर बस फिर अल्लाह पे छोड़ा सब कुछ, फिर किसी और को वोट, फिर हाँ फिर तब्दीली। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं जी आवाम को इमरान खान साहब से, और इस हल्के से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि NA-130 में शफकत महमूद साहब कामयाब हुए हैं, और जो नीचे NA-159 और PP-159 और PP-160 थी उस पर मियां महमूद रशीद और डॉक्टर मुराद रास जो हैं वो कामयाब हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या करते हैं वो इस हल्के के लिए, इस हल्के की आवाम के लिए। लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नाज़रीन, लिबर्टी मार्केट की ये दुपट्टा गली है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और ख़वातीन यहाँ पर बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, शॉपिंग कर रही हैं क्योंकि ईद बड़ी करीब है। तो मैं उनसे जानना ही चाह रहा हूँ कि क्या क्या तासुरात हैं उनके, क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, और शॉपिंग जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कितनी आप शॉपिंग कितनी रह गई है आपकी? बस थोड़ी सी रह गई है, थोड़ी सी रह गई। मुझे बताएं, वोट दिया था आपने जी किसे? पीटीआई को। क्या उम्मीद आप तरीके साहब की गवर्नमेंट आने वाली है? अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? देखें क्या करते हैं अब आके। वोट आपने हमें दे दिया फिर? बस सबके कहने पे दे दिया था। किसके कहने पे? सब कह रहे थे कि इसको दे रहे थे जी। चले अगर तरीके साहब अच्छे काम करती है फिर तो फिर अच्छा है, फिर अगली दफा भी देंगे, आप खुद से वोट देंगे जी। आपने दिया था वोट जी? दिया। किसे? पीटीआई को जी। आप क्या समझती हैं तरीके साहब अच्छे काम करेगी? करेगी। आपने खुद वोट दिया था या आपने किसी के कहने पे दिया? खुद ही वोट दिया। खुद ही वोट दिया। मैसेज क्या देंगे खान साहब को आप? कुछ मैसेज नहीं है? नहीं कोई मैसेज नहीं। बेहतरी के हवाले से मैसेज दे दें। अच्छा, क्या चीज़ें महंगी वैसे खवातीन? सब चीज़ें महंगी है, कॉस्मेटिक कपड़े सब चीज़ महंगी है। बहुत शुक्रिया आपका जी। खवातीन की जो शॉपिंग की और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं वो बड़ी महंगी है, तो खान साहब आपने इनकी तरफ भी तवज्जो देनी है, और आपने इनकी यानी कि महंगाई आपने कम करनी, ख़त्म करनी है। वोट दिया था जी? वोट दिया। किसे? पीटीआई को। अब क्या उम्मीद है तरीके इंसाफ से? तरीके इंसाफ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा, अगर उम्मीदों पर पूरा ना उतरे फिर? फिर यही नवाज शरीफ वाला हाल होगा। ओए होए होए होए, फिर नवाज शरीफ वाला हाल होगा जी अगर उम्मीदों पर पूरा ना उतरे खान साहब तो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कम्प्लीट होगी शॉपिंग? हो रही है। हो रही है। वोट दिया था आपने? बिल्कुल। किसे दिया था? पीटीआई। पीटीआई को। क्या कहेंगी आप गवर्नमेंट बन की तरीके इंसाफ की? इंशाअल्लाह बेहतर होगा, जो पहले होके गए उनसे तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा। इंशाअल्लाह। और अगर उनसे भी बदतर कारकर्दगी रही फिर? तो फिर उनको भी नहीं देंगे। अरे क्या बात है जी, यही बात होनी चाहिए और ये जज्बा होना चाहिए कि जो आपके लिए यानी कि आवाम के लिए काम करेगा उसको ही वोट करना है, उसको सपोर्ट करना है, अदरवाइज पारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है? अभी स्टार्ट की अभी। अच्छा, वोट दिया था आपने जी? किसे? इमरान खान। इमरान खान को। क्यों वोट किया इमरान खान को आपने? क्योंकि वो चेंज लेकर आ रहे हैं। किस किस्म का चेंज चाहिए आपको? पहले अच्छा नहीं पाकिस्तान? नहीं, करप्शन थी, अब शायद नहीं होगी। अच्छा, अब नहीं होगी। इसके अलावा कोई मसला है जो आप समझते हैं कि खान साहब को करना चाहिए गवर्नमेंट चुकी आ रही है खान साहब? सबसे बड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, पानी। बिजली और पानी ठीक करना है आपने। आप बताएं किसको वोट किया था आपने? मैंने किसी को भी नहीं किया। क्यों? वो आप लुक में दे रही हैं, आपने वोट नहीं किया? क्यों? क्योंकि मेरा पिंडी में था और मैं लाहौर में थी। आपको जाना चाहिए था एक दिन के लिए। बिल्कुल, लेकिन मैं उसको ही देती इमरान खान। इमरान खान साहब को। अच्छा, आप कोई मैसेज देंगे खान साहब को? गवर्नमेंट बन गई उनकी जी? बिल्कुल, उनको वो फिल्म देखनी चाहिए अनिल कपूर की जिसमें वो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट बना था, उसने सब कुछ चेंज किया, सीएम बना था। एग्जैक्टली, वो देखें और उसको कॉपी करें। तो मैंने वो मूवी देखी है, सीएम बना था। तो खान साहब, आपको भी तरजीह बुनियादों पर काम करने पड़ेंगे तभी आप दिल जीत पाएंगे इन लोगों का।